नमस्कार भाइयों, तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ सब ठीक होंगे, खुश होंगे, भाई बढ़िया होंगे। तो भाइयों, आज का वीडियो सुअर के, झांट के, बाल के, गाड़ू के, रंडी के, कुछ भी कह लो, इसके लिए वीडियो है। इसने अभी वीडियो बनाया, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा, ये सब पाकिस्तानी क्यों पागल हो गए हैं। चंद्रयान 2 हमारा मिशन सक्सेसफुल 95% हो चुका है, 5% नहीं हुआ, ठीक है ना। उसमें हमारे वैज्ञानिकों ने मायूसी दिखाई, मायूसी इतनी सीधी सी बात है, 5% भी हो जाता, उनका जो मेन टारगेट था पहुंचना, वो थोड़ा सा कंडक्ट हो गया। लेकिन ये कुत्ते क्यों इतना कुत्ता की तरह भौंक रहे हैं, भौं 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 भौं, ये वो है। मैं बताता हूँ कारण, सबसे पहली मैं बताता हूँ, ये इसलिए भौंक रहे हैं क्योंकि इनसे कश्मीर नहीं लिया गया है, इनकी गांड में बस की नहीं है, इनकी आर्मी भटक ली है, इनकी आर्मी वो सूगर के सूगर बैठे हुए इनकी आर्मी में, जिनमें बस की नहीं है कि ये कश्मीर को ले सकें, इसलिए कुत्तों की तरह इनको भौंकना इनका काम है। भाई सीधी सी बात है, आप किसी को पीटो और उसके बस की नहीं हो कि वो आपको पीटे, वो क्या करेगा? आप मुझे बताओ, वो दूर चला जाएगा और फिर वो आपको देगा गालियाँ कि तेरा ये तेरा वो, ठीक है ना। आप लोग क्या करोगे, आपका काम क्या है उस टाइम? आपका काम ये नहीं है उसके पीछे भागो, क्योंकि आप पीछे भागोगे वो और दूर चला जाएगा, फिर वो आपको गाली देगा। इसलिए आपका काम है कि सक्सेसफुल आगे बढ़ो, और हम वैज्ञानिकों से कहना चाहते हैं कि आप भी आगे बढ़ें, आप भी इन कुत्तों की बातों में ना आए। इसरो सबसे नंबर वन पे आएगा, नासा से भी ऊपर आएगा एक दिन इसरो, और बहुत बढ़िया चंद्रयान फिर से लॉन्च करेगा, और बहुत बढ़िया तरीके से। तो भाइयों यही मेरा कहना था, और मैं सुगर के झांट के बाल को बताना चाहता हूँ। तूने वीडियो बनाया, तूने कही कि 1400 करोड़ ये करें, वो करो, खर्च हुआ है तुम्हारे, गरीब आवाम को देते। मैं सुअर के झटके वाल को बताना चाहता हूँ, सुअर के बच्चे, गटर की पैदाइश, 1400 करोड़ जितना भी खर्च हुआ तेरे बाप का हमने लिया, तेरी माँ से हमने, तेरी माँ को हमने चोत चोत के कमाए, तेरे कौन से, तेरे खानदान की औरत को हमने कब्जा किया है, हमने उसका बैंड बजाया है कि हमें पैसे मिले हैं, फिर तू रो रहा है कि तुमने तो पैसा ले लिया मेरी बहन का, मेरी बहन का भी काम कर दिया और पैसा भी ले लिया, क्यों रो रहा है इतना? कितने भी पैसे खर्च करे तेरे को क्या मतलब पड़ रहा है? तेरे बाप का हमने पैसा लिया है, तेरी माँ से हमने लिया है, तेरी बहन से हमने काम करके लिया है, क्यों लिया है पैसा? हम तो तेरी बहन को देते हैं, जब हम काम करते हैं ना अपना, तो हम तेरी बहन को देते हैं पैसे, ताकि तुम भिखारी हो ना, तो तुम दूसरे देशों में चंदा मांगते हो, तो हमें भी अच्छा ही लगता कि हम चंद्रमा तक पहुँच गए, तुम अभी तक चंदा ही मांगने में लग रही हो दूसरे देशों में भीख, ठीक है? तो इसलिए हम भी दे देते हैं तुम्हें, चिंता मत करो, हमारे पास आओ, अपनी बहन बेटियां दो, हम दे देंगे। दूसरी बात ये है कि मैं बताना चाहता हूँ, वैसे मैं बोलना नहीं चाह रहा था इसकी कुछ परिवार के बारे में, बहन बेटे के बारे में, ऐसे बोलना गलत है, बट मैं क्या करूँ, इस कुत्ता की, इस कुत्ते की शक्ल देख के ही मुझे ऐसा लगता है कि मज़ा आने वाला है, और इससे मज़े लेने वाले हैं इसकी खानदान से। तो भाई वो, और दूसरा इसने एक और चीज़ बोली गौरव आर्या के बारे में, हमारे जो अफसर थे गौरव आर्या, उनके बारे में इसने बोला कि गौरव आर्या ने, वो बोलता है ऐसे और लोग लाइक करते हैं। हाँ भाई, लोग उनको पसंद करते हैं, वो बोलेगा ऐसे क्योंकि वो तुम्हारी गांड फाड़ के रखता है, इसलिए तुम बोलते हो उसके बारे में, है ना। ऐसे हिंदुस्तानी भाव ने तुम्हारी फाड़ के बिल्कुल बिल्कुल, वो तो अधर कर दी थी, गौरव आर्या ने तो सिर्फ फाड़ी है, उसने तो अधर कर दी थी, तुम कुत्तों की तरह भौंकने लग गए। तो इसलिए तेरा काम है कुत्ते की तरह भौंकना, तू, तेरी पहुँच उस तक है भी नहीं है, और तेरी औकात भी नहीं है, तू उस तक चला जाए, ठीक है ना। तो इसलिए भौंकता रहे उसके बारे में, उनके बारे में, तो ठीक है ना, वो तेरी फाड़ते रहेंगे। तो भाई, और दूसरे कह रहा था कर्नलों ने जमीन गिर रखी है, ये जमीन, मैं कह रहा हूँ भाइयों, मैंने पिछली वीडियो में भी साजिद अहमद की बनाई है, उसमें भी मैंने कहा था इन, और जो कह रहा था हमारे यहाँ पे टॉयलेट नहीं है। तो भाई जो चक्कर क्या है कि मैं दोबारा बताता हूँ आपको स्टोरी, कि इन इनका जो टॉयलेट था ना हमारे यहाँ पे, हम पहले 1947 से पहले हम पाकिस्तान में टॉयलेट करने जाया करते थे, मूत पेशाब और वो, और अंग्रेज भी जाया करते थे, तो ने हमारी तो खाई नहीं, टट्टी पेशाब, इन्हें अंग्रेजों की खाली पूरी, ठीक है ना, निगल गए ये। तो उससे इनके अंदर फूट डालो राज करो नीति आ गई, जैसे अंग्रेजों में थी। तो भाइयों इसलिए क्या करते हैं, अगर हमारी खाते तो इनमें अच्छे गुण आते, अच्छे संस्कार आते, लेकिन इन्हें खाई नहीं, इन्हें अंग्रेजों की खाई, इसलिए इनमें ऐसी वो आई सोच। अभी क्या करते हैं, अभी हमें भड़काते हैं कि भारत की आवाम तो बहुत अच्छी है, आर्मी बेकार है, ये बीजेपी बेकार है, आरएसएस बेकार है, इस जैसे लोग बेकार हैं, बहुत 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 अच्छी आवाम है, लड़ मरो, गिरो, मुस्लिम हो, उठो, और ये बनाओ, मुसलमान साजे हो रहा है,
क्या है कि इन्हें खाई है, और इन्हें इतनी खाई है कि इनके दिमाग में वो चढ़ गई है अंग्रेजों की टट 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 टी पिशा। तो भाई मैं कहना चाहता हूँ कि ये हमारा फर्ज बनता है कि जब ये खाते हैं खाएं तो भाई हमें भी थोड़ी सी अपनी इनको खिलानी चाहिए, क्योंकि ये बहुत बोलते हैं कि इंडिया में टॉयलेट नहीं है, इंडिया में टॉयलेट नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ हम सब लोग अपनी टट्टी पेशाब करें, और जो हम करते हैं जहाँ पे वहाँ पे थोड़ा सा अपने आप को कुछ में किसी चीज़ में रख के उन उस चीज़ को, उस हमारी गंदगी को, उसको बाघा बॉर्डर के पार फेंक के आए जो लोग बैठे हैं ताकि ये खाएं। तो भाई मैं चलता हूँ, भारत माता की जय।